रिश्ता है एक, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, खूबसूरत है, अपनी शनाज के जोड़ का ही है। हमारे रास्ते से हटो वरना 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 से आगे कुछ नहीं, ये डायलॉग हमारा है। अम्मा, तूने इस काम के लिए मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? महबूब शाह की उस दिन की हरकत ने पूरे गांव में मेरा सर शर्म से झुका दिया। मौके को दफा करें मुर्शिद जी, मुझे तो ये डर है कि लड़कियां कहीं पुलिस को हमारा नाम ना बता दे। पुलिस दी ऐसी दी तैसी। छोड़ के चले गए। चला जाता है। पता नहीं वो लड़कियां आशिक अली के साथ क्या कर रही होंगी। मुझे नहीं लगता था कि तुम सर्वे पे हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाओगे। बाबा का हुक्म था और बाबा का हुक्म मैं नहीं डाल सकता। ओह, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आपको जबरदस्ती हमारे साथ भेजा गया। आपसे किसने कहा कि मुझे जबरदस्ती भेजा? अरे अभी तो आपने कहा आप बाबा का हुक्म नहीं डालते। देखिए, बाबा मेरे अब्बा भी हैं और मेरे उस्ताद भी, उन्होंने ही मुझे इश्क की तालीम दी है। और इश्क का सबसे पहला सबक यह है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बात आपके लिए हुक्म बन जाती है। इश्क? तो क्या आप बाबा से इश्क करते हैं? हाँ, इश्क करता हूँ। पर अब्बा ही क्या, मैं तो ज़मीनों आसमान और इसमें जो कुछ भी अल्लाह ने तख्लीक किया हर एक शय से इश्क करता। और आपको पता है, ये इश्क की कुर्ब इलाही का जरिया है। मुझे लगता है इस कुत्ते को भूख लगी है, तभी हमारे आसपास घूम रहा है। मैं देखती हूँ। हाय, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? कुत्ता है, पलीत जानवर है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्या कुत्ता खुदा की तख्लीक नहीं? तख्लीक तो है। अगर मैं इस कुत्ते को खाना ना खिलाती और ये भूखा प्यासा यहाँ पे मर जाता तो क्या हमारा खुदा हमसे खुश होता? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। आशिक, अगर तुम कुत्ते से नफरत करते हो ना तो तुम अपने दावे में सच्चे नहीं हो। कैसा दावा? यही, जमीन और आसमान में जितनी भी अल्लाह की बनाई हुई तख्लीकात है तुम सबसे मोहब्बत करते हो। आप ठीक कह रहे। चले चले। वो आ गया ऐसी कली? मैं तो आ गया हूँ, यहाँ क्या कर रही है? ये कुछ होने की जगह तो तू सुबह मुझे लेके क्यों नहीं गया था? तू सुबह क्यों यहाँ आई? हाँ, तो तूने खाना भी नहीं खाया हो। ओ भला, खाना कहाँ से खाना था? यहाँ मुझे किसने खाना दे के जाना था? मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तू ना बिल्कुल पागल है। हाँ, शायद नहीं, यकीन है।
का लग गए। बोल क्या है? खाला। हाय हाय, क्या हुआ मेरी बच्ची? हैं? आ? ये बाहर बैठी हुई दरख्त के नीचे। पर आशिक से हो क्या गया? कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, वो बस भूख की वजह से ना मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो सारा दिन बाहर क्या करती रही है तू? तुझे भूख लगी थी तू घर आ जाती। ओहो खाला, पहले उसे खाना तो खिला दो, ये पूछ की सारी बाद में कर लेना। हाँ, मैं रोटी लेकर आती हूँ। ये ले मेरी थी, खाना खा तू। अम्मा, तू आशिक के लिए खाना नहीं लेके आई? नहीं नहीं खाला, मैं खाना खा के आया, तू जैनब को खाना खिला। खा। तो फिर मुझे भी भूख नहीं है। जैनब, ओहो, इसे क्या हो गया खाला? आशिक कुछ नहीं हुआ इसे, फिक्र ना कर तू, मैं खुद देखती हूँ। तू जा पुत्र, कर जा। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। ओह, तो तुम उन लफंगों की वजह से परेशान हो। शहनाज वो सिर्फ लफंगे नहीं है बल्कि बहुत बड़े गुंडे भी हैं। जानती हूँ, मगर हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने उल्फत का चेहरा नहीं देखा था, किस कदर परेशान थी वो। हम लोग तो दो चार दिन बाद चले जाएंगे लेकिन उसने यहीं पे रहना है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शहनाज कि ये सर्वे इतना जरूरी क्यों है, और बहुत से सर्वे उसकी तकमील से पहले ही रोक दिए जाते हैं। For God's sake, रुखसाना, ये हमारा पहला इंडिपेंडेंट सर्वे है, इसको मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम रिलैक्स करो, ओके? Everything's gonna be okay. मुर्शिदो, बड़े परेशान लग रहे हैं, इतनी सोचें ठीक नहीं होती। वाकई अब समझ आया कि शहरी और देहाती लड़की में फर्क क्या होता है। मुझे भी बताएं, वैसे फर्क होता क्या है? ओए करमदार, शहरी कुड़ी की डोरी वखरी होती है। ये जो कुड़ियां आती हैं, हाय हाय शाह जी, मेरी बात माने तो इन शहरी लड़कियों के चुंदर से निकल जाए, वरना किसी वक्त भी रौला पड़ सकता है। ओ ना करम दाद, बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैं जिधर भी देखता हूँ ना, मेरे सामने खड़ी हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। मुर्शिदो, ये सरकारी मामला है, ठंडा करके खाए। अब तो पुलिस भी उनकी हिफाजत कर रही है। पुलिस की ऐसी की तैसी, मेरा बाप मेरा साथ दे ना, मैं पुलिस को भी देख लूं। मुर्शिदो, आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बस आप थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और तू बस नजर रख। नजर तो मैंने पहले ही रखी हुई है मुर्शिदो, मैंने अपने ग्रुप के कुछ लड़कों को उन पे नजर रखने के लिए बोला हुआ है। हाँ,
तो इस बार बहुत बड़ा हंगामा होगा। हम आगे भी नहीं आएंगे, पीछे रह के तमाशा देखेंगे। ये हुई ना बात मुर्शिदो। जी मेरा नाम शहनाज है और ये मेरी सहेली रुखसाना है। पूछिए क्या पूछेंगे आप? ये स्केच आर्टिस्ट है, आपके जहन में अगर उन लड़कों का कोई नक्शा हो तो उसको बताइए, ये उसकी तस्वीर बनाएगा। इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। देखिए आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं और आप जानती हैं कि सरकारी कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है करिए। बताइए इसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है? जी आपका स्केच कंप्लीट हो गया। क्या यही है वो लड़का? ये तो आशिक अली है। I'm sorry, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। ये वो लड़का नहीं जो आप लोगों के पीछे था? नहीं ये तो आशिक अली है, हमारे साथ काम करता है, ये तो बहुत अच्छा है। असल में मेरे दोस्त आज ज़हनी दबाव का शिकार है, आज जो इसके साथ हुआ उसको वो भूल नहीं पा रही है। मैं समझ सकता हूँ ऐसा हो जाता है, आप जब भी कंफर्टेबल फील करें मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। कोई बात नहीं फिर बताइएगा हमें, ठीक है आइए चले। क्या बात है आशिक अली, कहाँ खोए हुए हो? चांद को देख रहा हूँ बाबा, कितना पुरसकून है, ऐसे लगता है कि हमें देख के मुस्कुरा रहा है। कुदरत के हुसन को देखना है ना तो सिर्फ चांद को ना देख, चारों तरफ देख, आसमान को देख, उसमें उड़ते हुए परिंदों को देख, नदी नाले दरियाओं को देख, सब्जे और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देख, ये सब के सब तुझे पुरसकून और हशाश बशाश दिखाई देंगे। एक दूसरे से इनको कोई गिला ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं। पर इंसान इतना उदास क्यों है बाबा, हालांकि ये कुदरत की तख्लीकात में सबसे अहसन शाहकार है। पुत्रे इंसान की उदासी उसकी नफरत के सबब है, अगर वो इश्क करना शुरू कर दे तो हर दुख परेशानी गम हर एक चीज से दूर हो जाए।
इंसान किससे इश्क करे बाबा? सवाल ये नहीं है कि इंसान को किससे इश्क करना चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि क्या इंसान को इश्क करना चाहिए। तो जवाब है हाँ, क्योंकि हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी का इलाज फकत इश्क ही तो है। आपके कहने का मतलब है बाबा, इश्क दवा है? बिल्कुल, और इस दवा की खास बात यह है कि अगर बीमार होने से पहले इसे इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ज्यादा सूदमंद साबित होता है। एक बात तो बताएं बाबा, क्या मुझे भी इस दवा की जरूरत है? हर वो इंसान जिसका अल्लाह पर यकीन है उसे इस दवा की अशद जरूरत है। चल अब सो जा, फिर तहज्जुद के लिए भी उठना है, आंख लगा ले थोड़ी देर। ठीक है बाबा। हक अल्लाह वाक्जात अल्लाह। अरे रुखसाना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं क्यों तैयार होंगी? What a joke. जैसे तुम्हें नहीं पता हम तैयार होके सर्वे पे जाते। घड़ी देखी है तुमने? मैंने तो घड़ी देखी है। मुझे लगता है आपने टीवी नहीं देखा। देखा होता ना तो मुझसे ये ना पूछती कि मैं तैयार क्यों नहीं हुई। लो, सर्वे पे जाने से पहले भला मैं टीवी क्यों देखूंगी? देख लो ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तैयार क्यों नहीं हुई। क्यों? टीवी पे ये आ रहा है कि हम तैयार होके नहीं जा सकते। भाई बारिश की फोरकास्ट है। क्या? हाँ जी, बहुत जोरों की बारिश बताइए, वो भी गरज चमक के साथ। ओ गॉड। चलो शाबाश, इजी हो जाओ। नहीं, मैंने नहीं इजी होना। मुझे हमारे मौसम का हाल बताने वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और वैसे भी जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लिहाजा हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तुम करो इंतजार, मैं तो जरा 2 घंटे के लिए सोने लगी हूँ। अगर बारिश ना हुए ना तो मुझे जगा देना। मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी। वो क्यों? क्योंकि अगर तुम सोगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। ये अच्छी सजा है यार। सजा नहीं है, ये मोहब्बत है, वफा है मेरी दोस्त। अच्छा अच्छा, फिल्मी डायलॉग नहीं, वरना मैं सच में सो जाऊंगी। रुको तुम, मैं चाय बनवाती हूँ, सारी तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। वाह, किधर? जिधर रोज जाता हूँ ड्यूटी पे। अच्छा, पर आज तो कुछ ज्यादा ही तैयार श्यार होके नहीं जा रहा? वही पुराना सूट, पुरानी जूती, वही पुराना रुमाल है, ज्यादा क्या लग रहा है तुझे? इतर जो सिर्फ तो जुम्मे के जुम्मे ही लगाता है, तो फिर आज क्यों? अच्छा इतर, धूप में ना बड़ा पसीना आ जाता है, किसी के दिमाग को बू चढ़े उसे बेहतर नहीं है बंदा इतर लगा ले। पर कौन तेरे इतना नजदीक आएगा जिसे तेरे पसीने की बू चढ़ेगी? ये दुनिया का सबसे हसीन एहसास है जो सिर्फ मुकद्दर वालों के हिस्से में आता है। लेकिन मैं तो खुद को इश्क हकीकी में फना करना चाहता हूँ। आशिक अली सिर्फ मेरा है। मैं उन शहरी लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उनका खून पी जाऊंगी। बंदा एक बार आंख भर के देख ले तो कहीं का नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ मुर्शिद जी, इन लड़कियों का पीछा छोड़ें, कहीं कोई रौला छोला ही ना बन जाए। तू रोलों की परवाह कब से करने लग पड़ा?